तो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट ऑलरेडी। नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है बजाज पल्सर 125 की। मैं बात करता हूँ तो दोस्तों, थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम आएगी बिकॉज मेरे थोड़ी से माइक में प्रॉब्लम चल रही है। तो खैर, इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी क्योंकि काफ़ी टाइम से इस वीडियो की डिमांड भी आ रही थी और कुछ लोग मेरे को मेल भी कर देते हो, मेरे को वो मेरे फेसबुक पेज पे भी कह रहे थे कि पल्सर 125 के बारे में बताओ। तो देखो, चलो अब हम इस बारे में, बाइक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो ये जो बाइक है काफ़ी अच्छी बाइक है क्योंकि एक पल्सर के पास, एक तो देखो कुछ थोड़ी सी चीज़ें हम बात करते हैं, पल्सर के पास एक 125 cc में कोई बाइक नहीं थी। जैसी पल्सर ने इस बाइक को लॉन्च करा वैसे ही आपने को पता चल रहा होगा कि लॉन्ग टर्म आ गया, तो उसकी वजह से ये बाइक शोरूम्स में तो अवेलेबल हो गई लेकिन कुछ लोगों के पास आ भी गई है, लेकिन प्रॉपरली ये बाइक अभी बिक नहीं पाई है। तो चलो अब इस बाइक के बारे में कंफर्मेशन मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। ये जो वीडियो है थोड़ी सी लंबी बनेगी लेकिन भाई इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि आपको इस बाइक के बारे में एक एक चीज़ सब कुछ पता चल जाएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस बाइक के लाइट्स के बारे में, तो इस बाइक के अंदर आपको फ्रंट में हैलोजन बल्ब मिलेगा और रियर में आपको LED लाइट्स मिल जाएगी। इस बाइक के अंदर आपको जो इंडिकेटर्स होंगे वो फुल्ली हैलोजन बल्ब मिलने वाले, LED का कहीं पर काम नहीं होगा, सिर्फ टेल लाइट को छोड़ के बाकी सब इसमें हैलोजन बल्ब ही है। इस बाइक की अगर मैं डिस्क ब्रेक की बात करूँ तो इस बाइक की आपको जो डिस्क ब्रेक मिलेगी वो मिलेगी 280 mm की, आपको उसके अंदर डिस्क ब्रेक मिलेगी। और रियल जो ड्रम ब्रेक मिलेगा वो मिलेगा 130 mm का, आपको उसके अंदर ड्रम ब्रेक मिलेगा। इस बाइक का अगर देखा जाए तो कर्व ब्रेक काफ़ी सही है क्योंकि ना ही ज़्यादा ज़्यादा ना ही ज़्यादा कम है, लेकिन एक 125 cc के हिसाब से थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगा। चलो खैर, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि आगे पता चलेगा कि क्यों दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि अब इसका जो कर्व वेट है वो है 140 kg का, आपको इसके अंदर वर्क कर्व वेट मिलेगा। और यहीं पे इसकी जो पेट्रोल टैंक है वो है 15 लीटर की, आपको पता चल गया होगा कि 15 लीटर की पेट्रोल टैंक है, इसकी वजह से इसका जो कर्व वेट है वो थोड़ा सा बढ़ गया। लेकिन पेट्रोल टैंक मेरा मानना तो ये है कि भाई जितना बड़ा पेट्रोल टैंक होगा उतना ही अच्छा होगा किसी भी बाइक के लिए, चाहे वो छोटे सेगमेंट की बात हो चाहे वो हायर सेगमेंट की बात हो। बात करी जाए इस बाइक के विड्थ के बारे में, तो इस बाइक के अंदर आपको 755 mm का विड्थ मिलेगा और जो हाइट मिलेगी वो मिलेगी 1060 mm की हाइट मिलेगी। इस बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस होने वाला है वो होने वाला है 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस होने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है। अगर आप इस बाइक को कभी गड्ढे पे या कहीं ऊंची ऊंची जगह पे लेके जाओ या ऑफ रोडिंग भी करो तो आपको कहीं पे भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बात करें इस बाइक की व्हील बेस की, तो वो है आपका 1320 mm का व्हील बेस है, जो कि काफ़ी सही है। मतलब एक अगर नॉर्मल गड्ढा होगा तो उसको बड़े प्यार से पार कर लेगी, पर बड़े गड्ढे तो कर कहाँ हो पाएंगे। बात करी जाए इस बाइक की लेंथ की, तो लेंथ जो है वो थोड़ी सी लंबी है जो कि बेस्ट है। वैसे अगर बात करिए तो अगर आप इसमें ट्रिप तीन बंदे बिठाओगे तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खैर तीन बंदे नहीं बिठाने। तो बात करी जाए इसकी लेंथ की, तो लेंथ है इसकी 2055 mm की, आपको इसके अंदर लेंथ मिल जाएगी। बात करी जाए इस बाइक के अलॉय व्हील्स की, तो इसके अंदर आपको फुल्ली अलॉय व्हील मिलेंगे, लेकिन कंपनी ये बोलती है कि थोड़े स्ट्रॉन्ग आपको अलॉय व्हील मिलेंगे ताकि गड्ढे वड्ढों के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। लेकिन बजाज की कंपनी में एक चीज़ अलॉय व्हील में मुझे दिक्कत लगती है, जितनी भी बजाज की बाइक्स होती है जैसी वो 5 से 6 साल पुरानी होने लगती है तो इनके अलॉय व्हील्स के कलर उतर जाते हैं। तो खैर वो बात तो अलग है, पेंट वेंट की क्वालिटी में थोड़ा सा खैर रहता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं क्योंकि अलॉय व्हील्स होते हैं आपको पता है बैंड होते हैं, धूल मिट्टी सबसे ज़्यादा उसी में लगती है तो पेंट खैर निकल जाता है। बात करी जाए तो इस बाइक के अंदर टायर्स, तो इसके अंदर आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाएंगे और फ्रंट का जो टायर साइज होगा वो होगा 431.8 mm का, आपको इसके अंदर फ्रंट टायर मिलेगा। और रियल टायर भी, और सॉरी रियल टायर साइज, व्हील साइज की बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी व्हील साइज की बात कर रहा हूँ, तो रियल का जो व्हील साइज मिलेगा वो भी मिलेगा 431.8 mm का, आपको इसके अंदर व्हील साइज मिल जाएगा। बात करी जाए इसके फ्रंट टायर की, तो इसके अंदर 80x100 का आपको टायर मिलेगा फ्रंट का, और रियल का जो मिलेगा वो मिलेगा 100x90 का, आपको इसके अंदर टायर मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा टायर हो काफ़ी ज़्यादा। मतलब ये है कि 125 सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी कॉर्नरिंग तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये है कि स्टेबल काफ़ी ज़्यादा है। बात करी जाए इसके शॉकर्स के बारे में, तो फ्रंट में आपको इसके अंदर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेंगे और रियल में आपको इसके अंदर जो मिलेंगे वो मिलेंगे ट्विन गैस 4 शॉकर्स मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छे शॉकर्स रहते हैं। कल को गैस वाले में क्यों बोलता हूँ क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि कल को अगर आपका एक शॉकर ख़राब हो जाए तो दूसरे शॉकर काफ़ी ज़्यादा मतलब वो चला देता है आपके 15-20 इतने तो चला ही देगा कि आप कहीं और जाके इसके शॉकर्स आपको करवा लो। बात करी जाए कि इसके चेसिस के बारे में, तो इस बाइक की जो आपको चेसिस मिलेगी वो मिलेगी सिंगल डाउन ट्यूब चेसिस मिलेगी, जो कि एक ही बारी पूरे लोहे पे बनी हुई होती है चेसिस, अलग अलग वेल्डिंग वाला कोई लफड़ा नहीं होता, एक लंबी चेसिस एक ही बारी में होती है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। बात करी जाए तो इस बाइक के माइलेज की,
तो ये जो बाइक आपको माइलेज बड़े ही प्यार से 55 तक का माइलेज निकाल के दे देगी, लेकिन डिपेंड करता है आपकी राइडिंग के ऊपर कि आप इस बाइक को किस तरीके से राइड करते हो। कुछ लोग होते हैं भाई रैश राइड करते हैं, गंदा राइड करते हैं, फिर बाद में बोलते हैं हमारी बाइक माइलेज नहीं दे रही। तो देखो माइलेज कहाँ देखे, थ्रॉटल जितना ज़्यादा खींचेगा उतना ज़्यादा माइलेज जाएगा। और बात करी जाए तो एक बाइक को हमेशा इकोनॉमिक स्पीड में ही चलाना चाहिए। अब बात करते हैं इस बाइक के अंदर आपको क्या कौन सी ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगी। तो देखो इस बाइक के अंदर आपको रियल में डिस्क ब्रेक मिल जाएगी, और सॉरी फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगी और रियल में आपको ड्रम ब्रेक मिल जाएगा। इसमें आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक का भी ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि मैंने इससे पहले बताया था कि आपको इसमें उसका भी मिल जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो आप इस बाइक को लो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि डिस्क में ही लेना, क्योंकि थोड़ी वो रहता है आपको, मतलब सेफ्टी काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है। तो इस बाइक की अब हम बात करते हैं गियर बॉक्स की। तो इस बाइक के अंदर आपको 5-speed गियर बॉक्स मिल जाता है, जो कि मैनुअली आपको इसके अंदर गियर बॉक्स मिलेगा। बात करी जाए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि है इस बाइक का इंजन। तो इस बाइक के अंदर आपको 124.4 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल BS6 FI आपको इसके अंदर इंजन मिलेगा, लेकिन इसमें इंजन मिलेगा बजाज वाला, बजाज का इंजन का, यानी मतलब आपको इसमें मिलेगा 2-inch spark plug इंजन आपको इसके अंदर मिल जाएगा। और जो मैक्सिमम पावर निकाल के देगा वो निकाल के देगा आपको 12 PS @8500 RPM पर, और मैक्सिमम जो टॉर्क निकाल के देगा वो निकाल के देगा 11 Nm @6500 RPM पर। इस बाइक का जो इंजन होगा वो BS6 आपको इंजन मिलेगा, और बोर जो होगा वो होगा 56 mm का बोर होगा। बोर और स्ट्रोक काफ़ी सही है, और स्ट्रोक जो होगा वो होगा 50.5 mm का आपको इसके अंदर स्ट्रोक मिल जाएगा। इस बाइक के अंदर आपको चैन ड्राइव की बाइक होने वाली है, क्योंकि इंडियन रोड पे चैन ड्राइव भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहती है। और बात की जाए इसकी मीटर की, तो मीटर के अंदर आपको सेम वही मीटर निकाला है जो आपका पल्सर सीरीज के अंदर मीटर मिलता है, नॉट इंक्लूडिंग RS 200, ओनली टू पल्सर 220। तो देखा जाए तो इसके अंदर आपको एनालॉग प्लस डिजिटल आपको मीटर मिल जाएगा, जो कि मीटर के अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको सारी मिल जाएगी। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी, जो कि है आपकी मल्टी डिटेक्टर लाइट की। अगर बाइक की इंजन के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है या फिर FI में कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको वो ब्लिंक करके बता देगी। अब बात कीजिए कंक्लूजन की, क्या ये बाइक लेनी चाहिए। तो देखो यह वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, लेकिन थोड़ा सा बजाज के इंजन में मुझे थोड़ी सी गड़बड़ी ये लगती है कि इसका जो इंजन है ना वो थोड़ा सा मतलब 30-40 हज़ार किलोमीटर के बाद गंदी सी आवाज़ निकालने लग जाता है। लेकिन डिपेंड ये होता है कि पहले की बाइक्स में ये चीज़ होती थी, लेकिन ये अब नई इंजन है, फ्रेश इंजन है, तो देखते क्या पता कंपनी इसके अंदर कुछ अच्छा खासा काम किया हो। वैसे अगर जहाँ तक मेरा मानना है तो मैं इस बाइक को अगर लेना चाहूँ तो हाँ मैं इस बाइक को ले लूँगा, लेकिन बाइक की इस बाइक में थोड़ी सी क्या होती है सर्विसिंग पे थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, क्योंकि बजाज की कंपनी का क्या होता है, क्योंकि इसमें डुअल DTSI इंजन है और पेट्रोल और इसका मिक्सचर काफ़ी अच्छा होता है, इंजन ऑयल इसका मिक्सचर काफ़ी अच्छा होता है, जो कि आपके इंजन को काफ़ी लॉन्ग टाइम तक बना के रखता है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि इस बाइक की सर्विसिंग पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि बहुत अच्छी बाइक है और पर्सनली मुझे भी खैर ज़्यादा पसंद आती है। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी, कुछ आप लोगों के सामने शेयर कर देता हूँ। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जो करना है वो करो, लेकिन हमारे दिमाग खराब करके हमारे सत्ता दिमाग नहीं खराब करें। बड़े कॉच करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, उसको भी लगे जरूर सब्सक्राइब करना।